को नए दिन के साथ जुड़ चुकी है अपने साथ एक और नई कार। ये गाड़ी जो है ये अल्टो K10 VXI प्लस टॉप मॉडल है गाड़ी का। इसके अंदर अपन को बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप फ्रंट से देख सकते हैं। इसमें अपन को हेडलाइट के अंदर नॉर्मल सी LEDs दी गई है, इसके अंदर अपन को ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है। और इसका जो ये फ्रंट लोगो है ये भी थोड़ा ठीक ठाक है। और यहाँ पे अपन को साइड इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं, और यहाँ पे भी एक इंडिकेटर मिल जाता है। और यहाँ पे अपन को नॉर्मल से ब्लैक कलर के मिल जाते हैं। हैंडल जो है ये बहुत बढ़िया है, वाइट कलर में है, टॉप मॉडल है इसलिए वाइट कैलेंडर में। और यहाँ पे अपन को खाली अल्टो K10 की बेजिंग मिल जाती है, और उसको अपन अलग से अपन को कुछ नहीं मिलता है। बाकी गाड़ी देखने में बहुत शानदार दिख रही है, और इसके अंदर अपन को टेल लैम्प वगैरह भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। और बाकी गाड़ी तो ठीक ठाक दिख रही है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये शायद तक CNG बेस्ड गाड़ी है। इसके यहाँ पे अपन को इसका लोगो मिल जाता है, यहाँ पे चाबी लाने का ऑप्शन, की लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। और ये शायद तक CNG वाली गाड़ी है, तो इसको अपन खोल के देखते हैं डिक्की में CNG है कि नहीं है। बाकी इसकी साइड प्रोफाइल है, येलो पहिए अपन को नॉर्मल से मिलते हैं, व्हील कोई अपन को व्हील कैप लगी हुई नहीं देती कंपनी, और अपन को शायद तक इसके अंदर व्हील कैप अपन को बाहर से लगानी पड़ती है। आगे बढ़ने से सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबावे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी से अपन आगे बढ़ते हैं, और आपको मैं गाड़ी के अंदर से सब कुछ बताता हूँ क्या क्या फीचर है। K10 टॉप मॉडल VXI प्लस के अंदर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग कितना शानदार कर दिया, पहले वाली अल्टो से बहुत शानदार कर दिया। और ये इसका जो मीटर है, ये मीटर भी एकदम डिजिटल बहुत शानदार दिख रहा है, पहले अपने जैसे रेनोल्ट देता था वैसे दे दिया। इसका स्टीयरिंग भी बहुत बढ़िया सा है। इसके अंदर यहाँ पे अपन को 3 बटन प्रोवाइड करे गए हैं फोन उठाने के लिए, और ये, और इसमें अपन को ये भी मिलता है, ये बोलने वाला एलेक्सा, यूट्यूब, गूगल असिस्टेंट। और इसके अंदर अपन को यहाँ पे ये इतनी छोटी बड़ी सी बढ़िया सी अपन को डिस्प्ले मिल जाती है, टच स्क्रीन। और यहाँ पे अपन को एक एयरबैग यहाँ दिया गया है। आजकल सब गाड़ियों में 2 एयरबैग मतलब सरकार ने कर दिया कि सब गाड़ियों में 2 एयरबैग तो होने ही चाहिए। और यहाँ पे अपन को एक USB सॉकेट मिल जाता है, ये USB लगाने के लिए सॉकेट मिल जाता है, और ये 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। 5 सीट का ही गियर लेवल है, ज़्यादा कुछ इसमें फ़र्क है नहीं। 2 स्पीकर मिल जाते हैं, पहले वाली गाड़ी में भी 2 स्पीकर आते थे। और ये अपन को लाइट देखो, लाइट का कितना शानदार दिया गया। बाकी इसके अंदर पावर विंडो या फ्रंट वाली दोनों पावर विंडो, तो इसका बटन मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। और बाकी पीछे की तो नॉर्मल ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं हाथ से खोलने से पूछते हैं कैसे खुलता है। ग्लोव बॉक्स देखिए, ग्लोव बॉक्स ठीक ठाक मिल जाता है। और 2 एयरबैग है, ये AC वेंट है, ये AC के बटन है यहाँ पे, और ये AC को ये सब एडजस्ट करने के लिए, ये हीटर और कोल्ड के लिए। और बाकी इसमें अपन को कुछ मिलता नहीं है, बैक में अपन को इतना कुछ प्रोवाइड कर, बाकी मैं बता दूंगा। और जेक वगैरह आप जैसे कि देख सकते हैं अपन को इस किट में प्रोवाइड करे गए हैं। इसमें एक अपन को फर्स्ट एड मिल जाता है, एक डायरी मिल जाती है, जेक वगैरह इसमें है, ये रहा इसका जेक, और टूल्स वगैरह इसमें है। और बाकी ये फ्रंट ग्लास, और ये इसकी चाबी पड़ी है। तो चलिए मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं इसको ऑन करने के बाद, ये इसका डिजिटल मीटर है, मीटर भी वो शानदार है, फ्यूल इसमें लो है। और बाकी गाड़ी CNG में है, इसके पीछे CNG किट लगा हुआ होगा। गाने बज गए, जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी बहुत बढ़िया है। और इसमें अपन को कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे अपन को लाइट ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन दे दिया है, और यहाँ पे वाइपर का दे दिया है, और आगे फ्रंट में सब कुछ है ही है। तो यहाँ पे अपन को ये, यहाँ पे ये सब बटन मिल जाता है। बाकी इसका पावर विंडो का बटन मुझे अभी तक नहीं मिला है, कहाँ पे है अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मुझे तो अभी तक कहीं पे भी नहीं दिखा है इसका पावर विंडो का बटन, शायद तक इधर हो सकता है, इधर लगा सकते हैं, किधर ना किधर तो लगाएंगे पावर विंडो। बाकी गाड़ी बहुत शानदार है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे और बने। यहाँ पे भी ये रहा पावर विंडो का बटन, जैसे आप देख सकते हैं अल्टो में अपन को पावर विंडो का बटन यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। और बाकी इसमें सब कुछ ऐसे नॉर्मल है, स्टीयरिंग बहुत बढ़िया कर दी है, स्टीयरिंग से मैं एकदम खुश हूँ। ये अपनी अल्टो K10 का बूट स्पेस है, बूट स्पेस में अपन को ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। CNG वाली नहीं थी ये, पेट्रोल वाली थी, मैं इतनी देर से सोच रहा था CNG होगी, ये देखिए पेट्रोल ही है। बहुत बढ़िया गाड़ी है, बूट भी अच्छा खासा मिल जाता है, 2-3 सूटकेस तो अपने अच्छे खासे आ ही जाएंगे। और ये गाड़ी की लुकिंग है, आगे से देख सकते हैं, ये पीछे से आगे से गाड़ी की इतनी भयंकर लुकिंग आ रही है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर आप 2-3 लाख के बजट में पसंद करना चाहते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत बेहतरीन गाड़ी है। और ये शायद तक पीछे अपन इसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, पीछे अपन को स्पेस तो अच्छी खासी मिल जाती है, पर इसके अंदर अपन को ये जो विंडो खोलने का है ये हाथ से खोलना पड़ता है। अल्टो में ये आजकल क्या था, नया फीचर्स निकल गया है। बाकी जो टॉप मॉडल है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट से दिख रहा होगा टॉप मॉडल है, तो भी अपन को चारों विंडो नहीं मिलते पावर, पहले उस वाली गाड़ी में भी नहीं मिलते थे, इस वाली में भी नहीं मिल रहे हैं, हाथ से खोलने के लिए मिल रहे हैं, जो दोनों फ्रंट है वही पावर मिल रहे हैं। और शायद तक गाड़ी CNG हो सकती है, तो इसको मैं पीछे बूट ओपन करके बताता हूँ, तो बूट में अपन को पता पड़ेगा गाड़ी CNG है
क्योंकि आगे मेरे को CNG लिखा हुआ दिखा था, और बाकी पेट्रोल भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। ये इसकी लुकिंग है, यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी शानदार दिख रही है गाड़ी। बहुत बहुत अल्टो बहुत बढ़िया कर दी है। हाइट में भी आप देख सकते हैं मैं बैठा हूँ, और ये अपनी कम से कम ये इतनी 7-8 इंच ऊपर है मेरे से अभी भी। और यहाँ पे अपन को दोनों सीट बेल्ट मिल जाते हैं, पीछे भी सीट बेल्ट मिल जाते हैं, चार जनों के लिए बहुत बेहतरीन गाड़ी है, बिल्कुल भी इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी कर दी है। और बाकी अपन को डिस्प्ले वगैरह भी आगे से बहुत अच्छी खासी मिल जाती है, यहाँ पे भी अपन को ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, मैंने पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई।